कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है ये, उत्तर ये आज केदारनाथ पहुंचने वाली है। सोमप्रयाग, सोमप्रयाग जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं मार्गों को ढककर। कभी कभी जिंदगी में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम वो डिजर्व नहीं करते। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम अनुराग सिंह, अगर आपसे मेरे को जानते हो, अगर नहीं जानते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, आपसे मेरे को जान जाओ। तो बस इस टाइम हम श्रीनगर और यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं श्रीनगर। टाइम हो रहा है 11:29। और ये देखो यहाँ के व्यू का कुछ अलग ही लेवल के व्यू हैं, और पहाड़ भी अलग ही टाइप के हैं, अलग ही है कुछ उत्तराखंड। और रोडों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़िया बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। अगर कोई ना भी चला पाए गाड़ी तो भी चला लेगा, जिससे आती भी नहीं है ना, तो समझ लो सिंपल ही रोड है, बस गाड़ी उतारनी उतारनी है। अभी 100 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस अभी बचा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अपनी सोनप्रयाग की लोकेशन डाल रखी है, और सोनप्रयाग का जो डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है वो 104 किलोमीटर है, और केदारनाथ 125 किलोमीटर। आगे को पता नहीं सोनप्रयाग से जाके आगे हमको जाने देंगे या नहीं गाड़ी लेके, वहाँ से या फिर टैक्सी कर लेंगे। और इसी है श्रीनगर, छोटा मोटा शहर है एक, ये कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। फाइनली हमने एक स्टॉप लिया है, मेरी तो आँख लगी थी, मुझे पता नहीं कहाँ आ गए यहाँ से। रुद्रप्रयाग बस बचा है, थोड़ा बहुत ही बचा, 15-16 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है रुद्रप्रयाग। और यहाँ गाइस ये खड़ी है अपनी धन्नो सामने, तो हमारी आँख खुल गई, तो सोचा चलो ब्लॉगिंग ही कर लें बाहर निकल के, और कुछ काम तो है नहीं हमको ब्लॉगिंग से। मैं आराम से सोता हुआ आया हूँ, सोता हुआ क्या 10-12 किलोमीटर ही सोया हूँ, ज़्यादा तो नहीं सोया। इतने में ही आँख खुल गई, गाड़ी रोक दी तो इसमें आँख खुल गई। हिसाब कर क्या हूँ, बहुत तेज़ लग रहा है, बहुत तेज वाला मेरे को। तो गाइस इसका नाम है धन्नो, आप सभी को पता ही है, और खड़ी है सामने, और ये पहाड़ों में आज ये लद्दाख सॉरी नहीं, ये आज केदारनाथ पहुँचने वाली है। आज शाम तक पहुँच ही जाएगी ये, कल को अपना रजिस्ट्रेशन है ही, कल 6 तारीख है, और वहाँ पर हम अपने आराम से दर्शन करेंगे, कल को करेंगे, हम पैदल जाएंगे। गाड़ी ये देखना कितनी सानी है भैया ने, सन गई बंद। ये वाला व्यू देखो, ये वाला गाइस, ये देखो ये बीच बना हुआ है यहाँ पे, आराम से लोटो जहाँ जिसका मन करे वो हाई दूर से सब में गंगा जी जा रही है ये अपनी, इनके यहाँ नाम तो पता नहीं मेरे को क्या है, बट है गंगा जी, ये गंगा समझ लो है, कोई ना कोई है ही। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, प्राइवेट गाड़ी यहाँ पर चेक करी जाती है, सॉरी प्राइवेट नहीं, वो टैक्सी गाड़ी यहाँ पे चेक होंगी, और यहीं कर ले रहा हूँ टॉयलेट, यार देखी जाएगी, दे देते हैं थोड़ी सी खाद, लगा देते हैं गाइस खाद। बस फाइनली आप सीट चेंज कर लेते हैं, अब तुम्हारा भाई ड्राइव करेगा, बहुत देर हो गई चलते चलते। और आज हम पहुँच जाएंगे सोमप्रयाग जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं 2 बजे का टाइम दिखा रहा गूगल में, तो 2 बजे से पहले ही पहले हम सोमप्रयाग आराम से पहुंच जाएंगे। और हमने लंच नहीं किया है गाइस, ये समझ लो 2 दिन हो गए रोटी खाए, आज खाएंगे जाके, रास्ते में कहीं भी होटल मिलता है मैं वहाँ रोक के 100% रोटी खानी है भाई, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, मतलब हमें लंच करना है। रोटी तो हम हिंदी में कह देते हैं क्योंकि चलो
होता है ना यार, गाइस कुछ भी बोल सकते हैं हम, और ये अपनी कहानी सुन रहे हैं हम। थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है गाइस, थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। फाइनली ये ब्लॉग आपको कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। अब केदारनाथ का ना है मेरा एक ड्रीम था, वो आज मेरा पूरा हो रहा है, ये समझ रहे हो ना, पूरा हो रहा है गाइस। जा रहा हूँ वो सब भगवान की दुआ से दर्शन करने मिल जाएं। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो मेरे को दर्शन आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि और बाहर का वेदर साइड पे मैं देख के आया हूँ, वहाँ का वेदर इस टाइम तो सही है पर कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस वहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं रहता, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता केदारनाथ का। तो गाइस क्या पता बर्फ मिल जाए हमको, हो सकता है, चांस है, कन्फर्म नहीं कह सकते, मिल जाए, मिल भी सकती है नहीं भी। और चलो गाइस आगे मिल के बात करते हैं आपसे। प्लेट्स है जहाँ तक मुझे पता है। तो गाइस फाइनली हम ये रुद्रप्रयाग से निकल रहे हैं, बोर्ड तो लगा हुआ था रुद्रप्रयाग बट कन्फर्म नहीं है, हो सकता है जो बोर्ड है तो हो सकता है। और यहाँ से डिस्टेंस जो बचा 71 किलोमीटर के लमसम बचा है हमारा गुलमार्ग। भाई चल रहे हैं आराम आराम से, गाड़ी माइलेज 18 का दे रही है पहाड़ों में, बट 18 का आ नहीं रहा होगा, और हाईवे पर दिया था इनने 23 तक का, तो हाईवे का माइलेज तो अच्छा था, पहाड़ों में भी अच्छा है बुरा नहीं है, 18 का माइलेज बहुत होता है। ये लो मिल गया जाम रुद्रप्रयाग। तो गाइस फाइनली ये रुद्रप्रयाग ही है, क्योंकि यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी थी यार, पीछे अभी निकल गई है। अब देखो हम अंदर से आ गए क्या पता नहीं, समझ में नहीं आया, बट आ गए तो अब तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी रुद्रप्रयाग में। मुझे लगता है सारा बाईपास द्वारा निकाला जाता है, वो बाहर की तरफ बोर्ड लग रहा था, ऊपर गूगल मैप हमारा अंदर की तरफ से लेके आया, तो हमने गूगल मैप से ज़्यादातर इससे ही आए हैं। और भाई साहब मेक अ शार्प लेफ्ट टर्न ऑनटू एनी 147 बोर्ड भी आ चुके हैं, केदारनाथ 89 किलोमीटर, बद्रीनाथ 157 किलोमीटर, जोगी मठ 113, और ये पता नहीं उधर का दिख नहीं रहा, उसमें आपकी समझ में आ रहा हो तो आप पढ़ सकते हो। 419 किलोमीटर कंटिन्यू स्ट्रेट ऑन। ओके ताऊ तो गाइस यहाँ पे हमारा स्टेशन वगैरह फिर चेक होगा। केदारनाथ एंटर करा आपने? ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री वगैरह होनी है, तो मैं एंट्री करा के आता हूँ गाड़ी की, 2 मिनट लगेंगे। तो गाइस चल रहे हैं एंट्री करवाते हैं गाड़ी की, कहाँ पे होगी यहाँ पे होंगी एंट्री सेंट्री जो भी एंट्री है। तो गाइस फाइनली हमने अपनी एंट्री वगैरह करा दी है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हुए हैं 3-9 लोगों के, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बगैर आगे जान नहीं दे रहे हैं, तीनों पर्ची कटो बार कोड का इस... तो गाइस फाइनली 2 बजे के आसपास हम रुकी गए हैं लंच करने के लिए, अब यहाँ से करना है लंच, लंच करते हैं बाद में आपसे मिलते हैं सीधे। तो भाई सोनप्रयाग से 35 किलोमीटर के आसपास रोड की कंडीशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी, सिंगल रोड और इस पर ट्रैफिक बसों का बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी जगह नहीं है कहीं कहीं, तो बिल्कुल बेकार रोड है, बेकार क्या पूरी रोड तो बेकार ही है, पर साइज रोड का बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है कहीं कहीं, ये देख रहा हूँ। सिटी है वो कोई, तो गाइस केदारनाथ का जो डिस्टेंस बचा है डिस्टेंस तो 47 है, और गौरीकुंड 33 किलोमीटर, और हमें जाना है गौरीकुंड तक, और टाइम हो रहा है 2:21, और ये रहा रील वाला बोर्ड, हर बंदा यहीं से रील बना के स्टार्ट करता है केदारनाथ की, स्वागत है केदारनाथ में।
तो गाइस यहाँ हमको मिला एक झरना और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा सूट, लोकेशन भी अच्छी है। अपनी धनों कहाँ खड़ी करी है मैंने, बिल्कुल इसके जस्ट बराबर में। यहाँ से ये देखना कहाँ रुकी है, एंड टाइम पे गिरी जाती थोड़ा और हील करता। गाइस ये देखना जुगाड़ कहीं चल रहा है, ये पाइप में कहाँ से पानी लिया जा रहा है। अब ये पाइप इधर टैंक फुल कर रहा है बाहर की तरफ को। सेकेंड टाइम है हमारा लंच के लिए रुकने के लिए 3 बजे, क्योंकि वहाँ पर रुके थे वहाँ पर कुछ खाने को ही नहीं था। अब यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, पीछे का जो इसके नज़ारे हैं ना वो अनलिमिटेड नज़ारे हैं। चलो दिखाता हूँ तुमको। लंच कर लिया है, लंच का टाइम हो रहा है 4:19। अभी लगा लो कितनी लेट हमने लंच किया, बट कर लिया है फिलहाल में, कर लिया है। कितना हो गया, लंच हो चुका है यार। इस रूट पर ना होटलों की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है केदारनाथ हाईवे को। केदारनाथ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारा, 50 किलोमीटर है, जिसमें 18 किलोमीटर तो पैदल चलाई है। करीबन मान लो आधे एक घंटे की रास्ता है यहाँ से आगे, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। चल रहे हैं, वो यहाँ से जो वेदर आ रहा है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। और ठंड ऊपर से जो बंदे आ रहे हैं ना, वो जैकेट वगैरह पहन के आ रहे हैं, हुड वगैरह सब चीज़। यहाँ पत्थर गिरेंगे ना ऊपर से, लैंडस्लाइड का पूरा ऑप्शन है। एक ही लाइन चल रही है, इधर भी टेंट लगा हुआ है, उधर भी थोड़ी बहुत ज़्यादा जगह है। ये उसके लिए होगी, कोई दब जा तो आपातकालीन स्थिति नहीं, यहाँ पर लैंडस्लाइड का एरिया है ये सारा, बहुत ज्यादा। तो ये क्यों क्यों है, सिंगल रोड है ना। अच्छा, मुझे लगा आपातकालीन एक तरफ से आएगा। तो गाइस यहाँ से हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का पता करता हूँ क्या क्या है, क्या सीन है क्या नहीं। हमारा कोई प्लान नहीं था, यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। ये भाई ये अपनी पूरी लिस्ट है, पाइना एयर, पवन हंस, टमी एक्टिव, अंडर जम्मू ब्रिज। वेटिंग तो यहाँ 10 दिन की चल रही है हेलीकॉप्टर की। अगर हमें हेलीकॉप्टर करना है बुक पहले से ही कर देते हम तो हो जाता, बट हमें मन नहीं था पहले से ही, पैदल की यात्रा थी। अब 18 किलोमीटर सोच कर डर सा लग रहा है, बट कोई नहीं, चढ़ेंगे आराम से, ब्लॉग भी बन जाएंगे 10-12 रास्ते के ही, अलग ही एडवेंचर होगा उसमें। मनाली जैसी फीलिंग आने लगी हल्की हल्की ऐसी, वहाँ पे ऑफ रोड है पूरी, टनल बनने लगी देखो यहाँ से भी। ये कहाँ खुलेगी जाके, यहीं थोड़ी बहुत दूर की होगी, पहाड़ पहाड़ के लुक भाई भयंकर वाला। ये देखना ट्रैक्टर कहाँ उतरा है, ट्रैक्टर ट्रक है, दो दो पड़े नीचे। और ये एक झरना है, वाटरफॉल, ये चल रहा है। तो गाइस फाइनली हम सासी पहुंच गए और टाइम हो रहा है 6:13, और यहाँ से हमारा ऊपर होटल है। यहाँ गेस्ट हाउस वगैरह या होटल तो यहाँ मिलते नहीं हैं, आपको बेड वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। और रात को खाने का भी बस फैमिली वो घर वाला ही खाना मिलेगा, कोई पनीर पनीर का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ आने में भी प्रॉब्लम है। और तो अपना सामान निकाला जा रहा है, जो भी सामान हमें यूज किया है, और यहाँ से निकलेंगे सीधे हम सुबह 3 बजे यहाँ से अपने घर से निकल जाएंगे। घर से बोल रहा हूँ मैं, रूम से यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद सीधे हमें जाना है ऊपर, ऊपर से फिर वहाँ से टैक्सी करनी है, क्योंकि 4 बजे के आसपास यहाँ पूरी पार्किंग फुल हो जाती है। गुलमार्ग भूल क्यों जाता हूँ मैं नाम, यहाँ ये बात समझ में नहीं आती। तो भाई इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, एक मिनट अभी करेंगे एंड, मैं व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ से, होटल भी दिखा दूँगा, व्यू भी दिखा देंगे, और गाड़ी की पार्किंग वगैरह का जितने भी ये रिसोर्ट के आए ऊपर, जितने भी इधर की तरफ गेस्ट हाउस हैं, सारी पार्किंग इनकी है, सारी टोटल देख रहे हो गाड़ी
जितनी भी खड़ी हैं साइड से, सब इन्हीं की पार्किंग, क्या ये पार्किंग वर्किंग नहीं है, सड़क। और अपनी धनों का हाल देखो कितना बेहाल हो चुका है। और अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं। और ये व्यू देखो गाइस, क्या बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं। व्यू भी अल्टीमेट है, कदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। व्यू भी आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हमारी चढ़ाई होगी, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे। पैदल करनी पड़ेगी भाई, हेलीकॉप्टर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ये लग रहा है कोई गड्ढा लग गया गाड़ी में, पत्थर लग गया होगा के लगते रहते हैं पहाड़ों में, ये दिक्कत होती है जहाँ ऑफ रोड वगैरह होता है। तो बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए बाय। आ जाएगा।